ने कहा, जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो आप देखिए कि शेख हसीना, जिन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है, और उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस तरीके से हिंसा के दौरान पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर मारा जा रहा था, उसके बाद शेख हसीना के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये बांग्लादेश की संसद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक में हल्ला बोल किया और मेज पर चढ़ गए, तोड़फोड़ की गई, काफ़ी हंगामे के आसार बने। और इस दौरान शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर वहां से तुरंत निकलना पड़ा सुरक्षित स्थान, और पहले तो वो त्रिपुरा के अगरतला हुई पहुंची। और उस दौरान शेख हसीना आगे के जो प्लान है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद बढ़ता गया और एक हिंसा की आग में झुलसता बांग्लादेश, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। हिंसा के आगे हारी हसीना, बांग्लादेश में पलट गई बाजी। शेख हसीना का इस्तीफा, भारत में शरण। आमी समस्त राजनीतिक दलेर नेतृबृंद के एखाने आमंत्रण करेछिलाम, ओनारा एखाने एसेछेन, आमरा একটা সুন্দর আলোচনা করেছি, সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব, এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाउस की तस्वीरें हैं। जहां भी जिधर भी देखेंगे प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आएगा। उग्र भीड़ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर तब कब्जा किया जब सेना ने शेख हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया, और मजबूरन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने पहुंची। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है, वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे आप शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है, हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस मतलब इस इन मामलों में हुआ होगा। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंसा थम जाएगी। क्योंकि इस्तीफे से पहले शेख हसीना ने प्रोटेस्ट रोकने की हर संभव कोशिश की थी, फिर भी बांग्लादेश जलता रहा। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम बंद कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आई हुई है। फेक वीडियो से पूरा बांग्लादेश पट गया है। अफवाहों को रोकने में प्रशासन पूरी तरह से असफल नजर आया। माना जा रहा है कि ये आंदोलन अब छात्रों के हाथों से निकलकर पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक संगठनों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश सरकार ने इस्लामिक जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बिना उनके झंडे के इस्लामी संगठनों के समर्थक पूरे बांग्लादेश में तांडव मचा रहे हैं।
14 पार्टियों को साथ लेकर चल रही आवामी लीग की शेख हसीना ने इस हिंसा को रोकने की कोशिश के लिए इस्तीफे से एक दिन पहले अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक भी की, लेकिन इस बैठक में भी शेख हसीना की सरकार पर ही सवाल उठा दिए गए, तो मजबूरन शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब सेना के हाथों में सारा दारोमदार है। पूरी तरह यकीन है कि हमारा सरकार, हमारे जो लोग हैं, जो इस मुद्दा देख रहे हैं, मतलब उनका योगदान ये होगा कि बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमोस्फियर और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में हिंसा हुई वो किसके लिए और क्यों है, और आखिर एक महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि छात्र सड़कों पर उतर गए। दरअसल बांग्लादेश में 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण को 2018 में छात्र आंदोलन के बाद खत्म कर दिया गया था, लेकिन 5 जून को कोर्ट के फैसले के बाद इस 30% आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद छात्र फैसले के विरोध में एकजुट हो गए और उनका ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर है फिजुल रहमान, लेकिन उनके दफ्तर से यही बताया गया है कि अभी ब्रीफ करने के लिए कुछ नहीं है, फिलहाल चुप्पी साधी हुई है बांग्लादेश हाई कमीशन ने। हमारी मौजूदगी यहाँ उस हाई कमीशन के बाहर है। अगर मैं बाहर की तस्वीर एक बार विकास ठाकुर दिखाएंगे, बहुत शांत माहौल है, रूटीन बैरिकेड्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कुछ मीडिया पर्सन जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं रिएक्शन के लिए कि जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बन रही है उस पर बांग्लादेशी हाई कमीशन का क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहाँ से बनी है, अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो भारत होते हुए लंदन जाने की तैयारी शेख हसीना कर रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश में 1971 के बाद ये सबसे बड़ी हिंसा है। अलग देश की मांग को लेकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ऐसे ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तब जाकर बांग्लादेश आजाद मुल्क बना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब उसी तरह के हिंसक प्रदर्शन ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के पास अब क्या क्या विकल्प बचे। उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिस दौरान ये पूरी हिंसा हुई थी। वहां हिंसा के बाद बांग्लादेश सरकार सख्त नजर आई थी। 15 मिनट में तख्ता पलट की ये तस्वीरें आप देखेंगे, जब हसीना ने देश छोड़ दिया और खालिदा जिया की वापसी, जहाँ पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक भी इस दौरान बुलाई गई थी। बांग्लादेश में लगातार 4थी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में हाथ से निकल जाएगा। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनकी विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए। वहीं शेख हसीना और बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें एनएससी, रक्षा मंत्री के साथ ही गृह मंत्री भी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोगों पर हमले हुए। ये 5 तस्वीरें देखिए, जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की और तोड़फोड़ भी की गई। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा, वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया। ढाका में आवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई और आवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले हुए, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में पिछले एक महीने से जारी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में रविवार को अचानक हिंसा भड़क गई।
स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए इस पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में आग फैल गई। सबसे ज्यादा सिराजगंज इलाके में हालात बिगड़े और सबसे ज्यादा अधिकारियों के हताहत होने की खबरें भी इसी इलाके से सामने आईं। माना जा रहा है कि शुरुआत में आरक्षण के विरोध का ये आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन के रूप में बदल गया। छात्र नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर दी, साथ ही लोगों से टैक्स और दूसरे बिलों को भी न भरने की अपील की। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में जोरदार हिंसा के बाद शेख हसीना सरकार ने हिंसा पर लगाम लगाने के लिए 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया, साथ ही कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जबकि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ढाका में इंटरनेट सेवा रोक दी गई, साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप पर भी रोक लगा दी गई। आर्मी चीफ का गोलीबारी रोकने का ऐलान, प्रदर्शनकारियों पर नहीं चलेगी गोली। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस हिंसा को 1971 के बाद की सबसे बड़ी हिंसा बताते हुए प्रदर्शनकारियों पर कोई गोलीबारी नहीं करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सेना मुख्यालय में सेना की तैनाती पर भी चर्चा की। उधर छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व आर्मी चीफ ने भी सुरक्षा बल के जवानों से तुरंत अपने कैंप में लौटने की अपील की। आखिर क्यों उग्र हुआ छात्रों का प्रदर्शन? क्या मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्र? बांग्लादेश में भी भारत की ही तरह सरकारी नौकरी रोजगार का एक बड़ा जरिया है और इसमें 30% हिस्सा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए है। इस 30% हिस्से को 2018 में प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया और कोर्ट के इसी फैसले के बाद छात्र सड़कों पर उतर गए और धीरे धीरे उनका यह प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक दिन पहले उनके इस प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़क गई। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के हालात को देखते हुए नागरिकों से वहां की यात्रा न करने को कहा, साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों से एम्बेसी के संपर्क में रहने की अपील की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उखाड़ फेंकने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजीम चेंज के पीछे आईएसआई का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया की बेटी तारिक रहमान की आईएसआई से साठ गांठ के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर ऑपरेशन रिजीम चेंज तैयार किया था, जिसे बांग्लादेश में पूरा किया गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी दे रहे हैं।